वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में पूरा का पूरा पॉलीनोमियल यानी कि बहुपद का पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। 1% ना आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। डायरेक्ट देखिए, किसी भी चीज़ को याद मत कीजिए, आप भूलेंगे वही चीज़ जो चीज़ आप याद करेंगे। तो याद रखिए, उस चीज़ को याद रखने के उपाय क्या है, अगर समझना है, देखिए अगर आप इसको समझिएगा तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है, और किसी को समझा भी सकते हैं। आपको अब इसमें 1% याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए, यहाँ पे हम आपको डीपली पॉलीनोमियल का पूरा निचोड़ बता रहे हैं, ठीक है, कि पॉलीनोमियल में क्या क्या सवाल और किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले हमको जो भी हम लोग को डाउट आ रहा है, बहुत सारे लोगों का ये मैंने कहना है कि डाउट आता है फॉर्मूला याद कैसे रखे दिमाग में, तो याद नहीं रखना है, समझ लेना है, ये चीज ध्यान देना है। यहां देखिए, जिसका पावर 2 हो उसे कहते हैं द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। पावर 2 हो तो इसे द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। पावर 3 हो, देखिए पावर को हम लोग डिग्री भी कहते हैं, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, ठीक है, फाइंड द डिग्रीज। आएगा इक्वेशन दे देगा ऐसे 2x² + 5x + 4 कुछ ऐसे दे देगा, बताइए इसमें घात कितना है। तो सबसे बड़ा वाला चीज को क्या बोलते हैं, बड़ा वाला पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां पे आप जो देखिएगा, बड़ा वाला घात को तो हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ा वाला पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे देखना है कि ये क्या स्टैंडर्ड, इसका व्यापक रूप क्या होता है। अब बताइए इसमें पूछेंगे तो देखिए, पहला वाला यहाँ ए रहता है, एक्स स्क्वायर के साइड वाला को ए बोलते हैं, इस एक्स के साइड वालों को बी, जहाँ कुछ नहीं होता है अचर पद को सी बोलते हैं। ये पावर 2 वाला का है, ठीक है, ये पावर 2 यानी कि द्विघात बहुपद का ही व्यापक रूप है, इसी पर तो सब सेट होता है एक जगह पर। अब ये ए बी सी क्या है ये सब, तो यहाँ पे कोई भी हम लोग संख्या रखते हैं, कौन सा संख्या रखते हैं, तो वास्तविक संख्या रखते हैं। यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, और लास्ट में कुछ नहीं तो डी हो जाएगा, यानी त्रिघात बहुपद में डी तक होता है। ए बी सी डी क्या है, तो यहाँ नंबर हम लोग रखते हैं, और कैसा नंबर रखते हैं, तो दुनिया की कोई भी संख्या, जैसे कि वास्तविक संख्या ही हमेशा रखते हैं, यानी कि लिख सकते हैं ए बी सी डी, ये जितना भी होता है सब क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, यानी कि रियल नंबर होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, वास्तविक संख्या होता है। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझना है, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, डाउट को आउट करके ही यहां दम लेंगे हम लोग। देखिए अब आप बताइए कि जब पावर 2 हो, एक्स का पावर 2 हो, तो एक्स का वैल्यू यहाँ कितना आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन अगर दे देगा, यहाँ कोई नंबर डाल देगा, तो यहाँ सपोज मान लीजिए 2x² + 6x + 4, तो बताइए यहाँ एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, क्योंकि पावर कितना है, 2 है, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू 2 निकलेगा। अब बताइए कि जब एक्स का वैल्यू 2 निकलेगा, 2 मान निकलेगा, तो हम लोग करेंगे क्या, एक्स का वैल्यू का ये वो कहते हैं अल्फा, ये वो कहते हैं बीटा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ x का पावर कितना है, 3 है, यानी यहाँ x का वैल्यू कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, तो ए को बोलते हैं अल्फा, जब सब एक ही जैसा नाम हो तो नाम अलग अलग थे, अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है, देखिए एक्स के मान को हम लोग अल्फा बीटा भी बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, एक्स का मान भी कहते हैं, एक्स को शून्यक भी कहते हैं, एक्स का क्या क्या नाम है, एक्स का नाम है शून्यक, इसको ही कहते हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा का मान भी कहते हैं, ठीक है। अगर जीरोज निकालना हो, ठीक है, इंग्लिश में जो हम लोग बोलते हैं जीरोज, तो ये भी एक्स के मान को ही अल्फा बीटा गामा जो भी है यहाँ पे कहते हैं, सब एक ही नाम है, ठीक है, बस यहाँ पे यूज लोगों के बोलने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखिए, जब कभी बोल दे कि यहाँ 2 शून्यक होगा, तो शून्यक को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, ठीक है, तो शून्यक को जोड़ेंगे, इसको सही भाषा में हम लोग बोलते हैं शून्यकों का योग। शून्यक मान लीजिए कि यहाँ मान लीजिए सपोज कुछ देर के लिए, ये इसका आंसर हम नहीं बता रहे, अपने से बता रहे, अगर मान लीजिए अल्फा बराबर 4 आ जाए, बीटा बराबर 6 आ जाए, तो हम आपसे पूछेंगे ये तो दोनों शून्यक है ना, शून्यकों का योग कितना होगा, तो आप बोलिए कि 4 + 6 कितना होता है, 10, शून्यक था दोनों का योग, योग माने होता है जोड़ना, शून्य योग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये उसके लिए निकालना पड़ेगा, इसको तोड़ करके क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तब निकलेगा। लेकिन अगर शून्यकों का योग का फॉर्मूला पता हो तो आराम से बन सकता है। देखिए शून्यक क्या होता है, अल्फा बीटा, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, नीचे तो ए बताए थे, बी बाई ए, ठीक है। अब वही 2 शून्य को अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, गुणा कर दिए। देखिए कभी ये ऐसे देता है और कभी सिर्फ अल्फा बीटा दे देता है, तो इसके बीच में कुछ नहीं है, तो इनटू ही छिपा रहता है, ठीक है, दोनों चीज एक ही है, तो ये होता है,
ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए और ये हो जाएगा सी बाई ए। अब बताइए कि ये दोनों हो गया, वैसे ही सेम ये भी होता है, ठीक है। देखिए कैसे, यहां पे अगर हम बात करें, अब इसको मिटा दें हम, यहां पे अल्फा बीटा हम बोले हैं कि ये कितना है, तो ये त्रिघात बहुपद है, तो शून्यकों का योग कितना होगा, तो इसमें तीन तो शून्यक होगा, तो तीनों को जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो देखिए शून्यकों का योग द्विघात का और त्रिघात का दोनों एक होता है, ठीक है, दोनों क्या होता है एक ही होता है, ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, ठीक है। गुणनफल भी सेम होगा, देखिए कैसे, लेकिन अंतर क्या रहेगा समझिएगा, यहां पे है शून्यकों का गुणनफल, माने दोनों को गुणा किया गया, दो तो शून्य का गुणनफल, और यहां पे होता है शून्यकों के गुणनफल, यानी शून्य को गुणा तो करेंगे, अल्फा बीटा को हमने क्या कर दिया गुणा, लेकिन देखिए तो यहां तो तीन ठो है ना, तो तीन बार गुणा करेंगे, एक बार अल्फा बीटा को प्लस बीटा गामा को, एक बार अल्फा बीटा के साथ रहा, एक बार बीटा गामा के साथ, एक बार रख दो अल्फा और गामा को, अल्फा और गामा को, ठीक है। यानी कि शून्यकों का ही गुणनफल, गुणनफल करके इसको क्या किए हम, जोड़ दिए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, शून्यकों के योग को, योग का गुणनफल, यानी कि यहां बोलेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी इसको जोड़ेंगे, लेकिन कैसे, प्रोडक्ट करके जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, पहला ये दोनों का गुणनफल है ही, इसमें भी ये दोनों का गुणा, आप इसको डॉट से भी लिख सकते हैं, तो ये वाला भी सेम होता है, सी बाई ए होता है। एक लास्ट होता है डायरेक्ट शून्यकों का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो तीनों को खाली गुणा कर देते हैं, अल्फा बीटा और गामा, तो ये होता है डी बाई ए, लेकिन माइनस में होता है, ठीक है। याद रखिएगा कैसे, तो एक बार और ठीक से समझ लें, सब के नीचे क्या है, ए है, देखिए, तो अगर यहाँ पे हम लिख दें दोनों के, इसको ए, इसको भी ए, जब योग कहेगा तो ए के बाद क्या होता है बी, और बी के बाद क्या होता है सी, यहाँ बस माइनस लगा दीजिएगा, तो यहाँ हो गया ये योग, आई हो गया गुणनफल, ये भी वैसे ही है, तीन बार है, तीन बार निकालना है ना, इसका तीन वैल्यू होता है अल्फा बीटा, तो तीनों के नीचे ए पहले डाल दीजिए, ठीक है। बताइए ए के बाद क्या होता है बी, फिर क्या होता है सी, फिर क्या होता है डी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, यहाँ हो जाएगा डी बाई ए। ये है शून्यकों का योग, माने तीनों को जोड़ने के बाद, ये है शून्यकों के गुणनफल का योग, माने शून्य को पहले गुणा कीजिए फिर योग कीजिए, तो इसको क्या बोलेंगे, शून्यकों के गुणनफल का योग। तो ये हो जाएगा सी बाई ए, जिसमें ये दोनों देखिए सेम है, पहला वाला के जैसा, सेकंड वाला के जैसा, थर्ड एक एक्स्ट्रा है क्योंकि गामा था, तो यहाँ हो जाएगा डी बाई ए, ए तीनों है, उसके बाद से बी सी डी हो गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा, ठीक है। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अब हम आपको बताए थे अल्फा बीटा वाला पर, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे अल्फा बीटा और गामा वाला पर, अगर तीन ठो दिया हो तो कैसे बनाएंगे, जो आपका देखिए आपके किताब में एनसीईआरटी के बुक में एक चीज दिया है, ऑप्शनल क्वेश्चन यानी कि ऐच्छिक प्रश्न, नीचे लिखा रहता है उसमें कि यह परीक्षा के दृष्टि से नहीं है, लेकिन क्वेश्चन उसी में से आ जाता है, ठीक है, तो वहां मामला फंस जाता है, क्योंकि अभी तक हम लोग पढ़े हैं तो क्वेश्चन में कभी भी गामा का वैल्यू नहीं निकालने को मिला, लेकिन इसमें ऐच्छिक में दिया है, यानी कि ऑप्शनल में दिया है, ठीक है। तो अगर ऑप्शनल में दिया है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, आप लोग प्रीवियस ईयर का देख सकते हैं, कई बार उसमें पूछा गया है ऑप्शनल का क्वेश्चन, तो जरूर हम लोग इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद से हम लोग एग्जाम्पल का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन एक एक बढ़िया से समझेंगे, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी में एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो कहां से आता है, एनसीईआरटी का जो मेन क्वेश्चन एक्सरसाइज का होता है उससे बहुत कम रहता है, दो जगह से रहता है, एक तो ऑप्शनल से यानी कि ऐच्छिक से रहेगा, और दूसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम्पल से रहता है, यानी उदाहरण जो रहता है उसमें से, तो उसको भी हम लोग डीपली देखते चलेंगे, ताकि हमारे अंदर 1% भी डाउट नहीं रहे, डाउट को आउट करके रिजल्ट को बेहतर लाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब ऑप्शनल का, उसके बाद से हम लोग उदाहरण पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां देखिए ऑप्शनल का यानी ऐच्छिक का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, देखिए बहुत आसान है, समझने की कोशिश कीजिएगा, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा तो समझ में आएगा। देखिए वेरीफाई दैट द नंबर गिवेन, यहाँ पे लिखा है अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलीनोमियल बिलो आर देयर जीरोज, नहीं समझ में आया, यहाँ जो समझा रहे हैं ठीक से समझिए, यहाँ जो नीचे जीरोज दिया गया है, जीरोज का मतलब जो नीचे दिया गया है शून्यक, ठीक है, त्रिघात बहुपद का, कौन से बहुपद का, त्रिघात बहुपद का नीचे दिया गया शून्यक, देखिए तो ये त्रिघात बहुपद है, x का पावर 3, जिसका पावर 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, इसका अपने से सॉल्व कर दिया है, ठीक है, आपको सॉल्व इसमें करने की जरूरत नहीं है, और दिया है तीन ठो जीरो, देखो यहां यहां और एक यहां, तीन ठो x का मान दिया है, ठीक है।
बोल रहा है कि क्या ये वेरीफाई कीजिए कि ये सही में जो x का मान निकाला है तीनों वो सही है कि नहीं, सही निकाला है कि गलत निकाला है, यही वेरीफाई करना है। तो आपको एक तरीका बता रहे हैं, अगर मान लीजिए कि कोई हम इक्वेशन समीकरण सॉल्व कर रहे हैं उसमें x का मान निकल जा रहा है, ठीक है, जब x का मान निकल जा रहा है तो कैसे पता चले कि x का मान सही निकला है कि गलत निकला है, तो जो x का मान निकला है ना x बराबर 2 चाहे 3, वो क्वेश्चन 2 या 3 जो जैसे मान लीजिए कि x बराबर आ गया 2, ठीक है, तो इस 2 को उठा के इस क्वेश्चन में भर दीजिएगा, जहां जहां x होगा वहां वहां क्या भर देना है 2, अगर भरने के बाद 0 आ गया तो समझिए वही x का मान है, तो यहां वही काम करेंगे, यहां पे x का मान ये आया है कि ये दिया है और एक तीनों दिया है अलग अलग, पहले 1/2 इसमें भरेंगे x का मान, अगर 0 आ गया तो समझेंगे कि ये क्या है, ये समीकरण जो दिया है इक्वेशन इसका ये जीरोज है, यानी 1/2 इसी का जीरोज है, यानी x का मान सही निकला है, 1 भरने के बाद अगर 0 आ जाए तो समझिएगा इसी का है, -2 भरने के बाद अगर 0 आ गया तो समझिएगा कि क्या है, इसी का शून्यक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 2x^3 + x^2 - 5x + 2 x बराबर क्या भरना है, x बराबर हम सबसे पहले 1/2 भर रहे हैं, ठीक है, 2 1/2 का पावर 3 प्लस ये भी भरिए यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर और माइनस 5x प्लस में 5x का मान क्या भरना है 1/2 यहाँ पे कीजिए, जब 1/2 को 3 बार लिखिएगा तो 8 हो जाए, 1/8 होगा, कैसे 1/2 को 3 बार लिखिए 1/2 1/2 1/2 गुणा करने पर 1 1 1 में तो 1 हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8 देखिए यहाँ पे 1/8 आया प्लस जब 1/2 को कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस ये हो जाएगा 5/2 और प्लस में 2, ऐसे अगर क्वेश्चन हो तो यहाँ पे पहले कटा सकते हैं 2 4 8 यहाँ हो गया 1/4 + 1/4 - 5/2 + 2। अगर आपको ये सॉल्व करने में किसी प्रकार का परेशानी आएगा तो एक नॉर्मल देखिए ज़्यादा भारी है मजिए बट्टा का जोड़ निकाल लीजिए, बट्टा एक मान करके, ठीक है, तो यहाँ बट्टा सबका एलसीएम निकालने पर आएगा 4, ये हो जाएगा 1 + 1 और ये हो जाएगा 5 × 2 = 10 माइनस में आई हो जाएगा 2 × 2 यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और यहाँ माइनस हो जाएगा और इसके बाद से ये हो जाएगा 4 4 2 = 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 8 थोड़ा देखिए तो यहाँ पे एक और एक कितना 2, दोनों प्लस में 8 8 2 10 - 10/4 10 में से 10 जाएगा 0/4 मिला जाएगा कितना आया 0। अब बताइए 1/2 बताइए 2x^3 x^2 - 5x + 2 का शून्यक है कि नहीं, तो ये क्या होगा शून्यक है, इसीलिए तो 0 आ गया। सेकेंड नंबर आप देखिए, अब एक भर के ट्राई कीजिए, ठीक है, जब एक ऐसे ही आपको लाइन सीक्वेंस से बनाना है, क्वेश्चन आपका क्या है 2x^3 + x^2 - 5x + 2 यहाँ अब क्या भरना है आपको, यहाँ x = 1 भरना है, 1 ताकि ये इसका शून्य यानी जीरोज है कि नहीं, 1 भरिए 2 1/3 + 1^2 - 5x + 2 1 भर दीजिएगा, ये 1 का 1 है ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस में 5 + 2 ये भी तीनों प्लस में था, 2 2 4 1 5 - 5 कितना आ गया 0, ये भी इसका शून्यक है, आप लिख सकते हैं शून्यक है। फिर -2 भरिएगा, तो जब -2 भरिएगा भर के आप एक बार खुद से चेक कीजिए, तो हम बता दे रहे हैं आपको इसका भी तीसरा कंडीशन में जब x = -2 भरिएगा तो ये भी इसका शून्यक होगा, ठीक है, तो कह रहा है शून्यक अगर है, यहाँ तक तीनों अगर आप निकाल लिए शून्यक अगर है तो आगे देखते हैं क्या करना है, तो वेरीफाई कीजिए कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट, अभी फिर से आपको बता दे रहे हैं, तो क्या जांच करना है शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध स्थापित करना है, ठीक है, आपको वेरीफाई जांच कीजिए कि शून्यक और क्या शून्यक और आपका गुणांक के बीच में कोनो संबंध है, तो कोई ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें शून्य यानी एक्स वाला भी हो और उसका गुणांक भी हो, तो आपको बताए थे एक चीज़ हम फॉर्मूला इसका α+β, यहाँ देखिए तो त्रिघात बहुपद है ना, तो α+β + γ बराबर होता है -b/a, बताइए एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें शून्यक भी है और गुणांक भी है, तो यही फॉर्मूला है, बताइए इसको हम लोग शून्य कहते हैं कि नहीं, α, β और γ को इसको हम लोग शून्य कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं ABCD को क्या बोलते हैं, ये A होता है, B होता है, C होता है, 5D होता है, इसको गुणांक बोलते हैं, तो ये दोनों आ गया, तो गुणांक के बीच भी यहाँ पे संबंध बताना है, तो भर के देख लीजिए अल्फा कितना दिया है, माने x का मान एक 1/2 है, अल्फा, बीटा का मान कितना है 1 है,
प्लस माइनस माइनस गामा का मान कितना हो जाएगा 2। अब बताइए यहाँ b कितना है इस समीकरण में, b है x के साइड वाले, x स्क्वायर के साइड वाले नंबर को यहाँ पे b बोलेंगे, तो कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, माइनस में 1। a कितना है तो x क्यूब के साइड वाला 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए बट्टा का यहाँ पे आप कर सकते हैं जोड़, ठीक है। जब बट्टा का जोड़ कीजिएगा तो कितना होगा, जब बट्टा का जोड़ तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 + 2 माइनस 2 × 4 बराबर 1/2। 2 और 1 कितना होता है, तो 2 और 1 होता है 3 − 4/2 बराबर 1/2। ये हो जाएगा आपका, घटाइएगा तो −1/2 बराबर −1/2। बताइए तो यहाँ पे दोनों के बीच संबंध है तभी तो ये बराबर है शून्यकों का योग। ऐसे ही इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी शून्यकों का योग निकालें, इसके बाद से हम जीरोज का क्या निकालेंगे, जीरोज को गुणा करके जोड़ेंगे, जो हम फॉर्मूला आपको समझाए थे उसके बाद तीनों फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, अभी आपका एक एक ठो निकला है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या होता है देखिए, सेकेंड नंबर होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, ये होता है सी बाई ए, ठीक है। अब बताइए ये क्या है, क्या बोला है कि जीरोज और कोफिशियंट के बीच कोनो रिलेशन है, कोनो नाता रिश्ता है, तो देखिए तो एगो ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें रिलेशन लगता है कि है। यहाँ पे दिया है आपका जीरोज यानी शून्यक है, ये तो शून्यक ना है, एक्स के मान को ही शून्यक बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं, ये वाला कोफिशियंट है यानी गुणांक है। तो बताइए अल्फा कितना है, अल्फा है 1/2, बीटा है देखिए यहाँ लिख देते हैं, ये अल्फा ये बीटा ये गामा, एक्स के हटा देते हैं, ठीक है। इंटू बीटा कितना है 1, इंटू है तो गुणा लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, बीटा कितना है तो बीटा है 1 और इंटू गामा कितना है −2 प्लस, अल्फा कितना है 1/2 और गामा है −2 बराबर सी। देखिए ये वाला होता है ए, ये बी होता है ये सी, तो एक्स के साइड वाला सी −5 हो जाएगा, और ए कितना है तो ए है आपका 2। इधर सॉल्व कीजिए इतना आ रहा है कि नहीं, गुणा करेंगे तो 1/2 प्लस ये 2 × 1 = 2, अब ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 + 2 = 4 लेकिन माइनस में, यहाँ 2 × 2 हो जाएगा 2/2 बराबर में, यहाँ तो आया है 1/2 5/2। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए 2 × 2 1/2 − 2 − 1 बराबर −5/2 1 मान के 1/2 का जोड़ कीजिएगा तो हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 − 2 × 4 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2 बराबर −5/2 4 × 2 = 6 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए −5/2 बराबर −5/2। इन दोनों में संबंध है तभी तो बराबर आया है, ठीक है। एक और लास्ट फॉर्मूला है, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये वाला हो गया लास्ट वाला, एक है बी वाला भी हो गया सी वाला, अब डी वाला है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इंटू यानी गुणा होता है। अब क्या होता है, ये होता है −d/a, अल्फा कितना 1/2 इंटू बीटा कितना 1 और गामा कितना −2 बराबर, डी कितना है ए बी सी और ये डी बराबर 2 है लेकिन माइनस है तो −2, ए कितना है ए बराबर आपका 2 है। इसको देखिए गुणा कीजिए 2 × 2 2 × 2 −2/2 और यहाँ पे −2/2, यहीं पे बराबर दिख रहा है, काटिएगा तभी भी बराबर होगा, यहाँ पे संबंध है तभी तो ये क्या है आपस में बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी हमारा साबित हो गया, लिख दे जांच करने के बाद, यहाँ लिख सकते हैं जांच के बाद शून्यक और गुणांक यानी कोफिशियंट गुणांक में संबंध है, हो गया ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये 2.4 का जो ऑप्शनल है उसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। ऐसे ही सेम टू सेम सबसे पहले इसका क्या निकलेगा ये भर के चेक कीजिएगा, अगर सब जीरो आ जाए इसका मतलब यही इसका गुणांक है, यानी अल्फा बीटा गामा इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद 3 गुआ है, क्योंकि पावर कितना है 3 ठो है। उसके बाद ये फॉर्मूला तीनों लगा करके और क्या करना है, चेक करना है कि सब बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ये आप लोग एक होमवर्क के लिए आपको दे रहे हैं, इसको आप जरूर बना लीजिएगा। तब तक कि अब हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन,
देखिए यहाँ सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। जैसे बात बोले त्रिघात बहुपद, तो आप समझिएगा पावर कितना होगा, तीन होगा। और जब पावर तीन होगा तो x का मान भी क्या होगा, तीन होगा। और जब x का मान एक ही जैसा तीन हो तो ये का नाम है अल्फा, दूसरे का नाम बीटा और तीसरे का नाम गामा है। यहाँ समझिएगा, बोला है फाइंड ए क्यूबिक पॉलीनोमियल। सबसे पहले तुमको क्या, जैसे एक क्वेश्चन था जिसमें आंसर दिया हुआ था, हम लोग एक्सरसाइज पढ़े थे, तो उससे माने बहुपद तैयार करना था, यानी क्वेश्चन तैयार करना था। अल्फा प्लस बीटा दिया था, अल्फा इंटू बीटा दिया था, उससे क्वेश्चन में। इसमें भी कुछ ऐसे ही है, आपको आंसर इसमें दे दिया गया है, यहाँ पे जीरोज यहाँ पे दे दिया गया, प्रोडक्ट वाला जितना है, और इससे आपको पॉलीनोमियल बनाना है यानी बहुपद तैयार करना है। लेकिन कौन सा बहुपद, क्यूबिक, यानी जिसका पावर तीन हो। तो कैसे तैयार होता है, क्यूबिक में एक पावर तीन होता है, एक पावर दो होता है, फिर एक पावर एक होता है, फिर यहाँ पे कुछ और दूसरा होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग अपने से मानते हैं ए, वहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। अब यहाँ सोचेंगे कि आप प्लस माइनस काहे नहीं दिए, तो यहाँ तो हम प्लस माइनस दे देंगे, प्लस कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ डिपेंड करता है। देखिए यहाँ बी किस में है, माइनस में, तो एक फार्मूला, उसमें भी एक फार्मूला बताए थे, ठीक है, इसमें भी। तो याद रखिए जहाँ जहाँ माइनस होगा ना, वहाँ वहाँ इसमें माइनस होता है, तो फार्मूला तैयार हो जाएगा। यहाँ देखिए, तो यहाँ b किस में है, माइनस में, यानी कि यहाँ पे माइनस होगा, क्या होगा, माइनस। यहाँ d किस में है, माइनस में, तो यहाँ पे भी d क्या होगा, माइनस में होगा। तो जहाँ d माइनस में है उसका क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा d के जगह पर अल्फा बीटा गामा, ध्यान से समझिए। यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या है, यहाँ b है, और b क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो जहाँ b होगा वहाँ इसके जगह पर क्या लिखिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। b मत लिखिएगा, सिर्फ हम सिंबल माइनस है इसीलिए बता रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा। अब आते हैं c, c के जगह पर ये लिखिएगा। a वाला क्यों नहीं लिखे, क्योंकि a तो आगे सब में है ना, कॉमन है, तो यहाँ पे c के जगह पर क्या लिखिएगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा। ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या है आपका, एक्स है, ठीक है, यहाँ माइनस होगा। थोड़ा सा इसको साफ लिखने के लिए ए एक्स का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए हटा दीजिए, क्योंकि ए नहीं रहेगा। आपसे बताए थे कि सब में ए है तो क्या ए रखें, ठीक है, ए वहाँ पे हम लोग देख लेंगे। एक्स का पावर थ्री माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स और माइनस में अल्फा बीटा गामा, ये फार्मूला होता है। देख लीजिए यहाँ पे फार्मूला याद करने का तरीका, एक्स क्यू है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है और ये डी के जगह पर है, ठीक है। तो बताइए, ये था बी के जगह पर हम ये बात लिखें, क्योंकि बी इसी में आता है, दूसरा कहीं इसमें बी नहीं आया, बी आया है इस फार्मूला में, इसीलिए इस फार्मूला के जगह पर ये लिख दिए, लेकिन माइनस था तो ये माइनस में हम लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे जब ए होता है, यहाँ बी होता है और एक्स के पास सी होता है, तो सी इसमें था तो सी के जगह पर हम ये लिख दिए हैं, प्लस में होता है इसीलिए ये प्लस में रहा है, लास्ट में डी होता है तो डी माइनस में है इसीलिए इसके जगह पे ये लिख दिया। अब बस फॉर्मूला भर देना है, इसका यहाँ पे शून्यकों का योग दिया है, यानी ये वाला दिया है आपको सेवन दिया है ये, और माइनस फोर्टीन आपका ये दिया है, भर दीजिए यहाँ पे। x का पावर थ्री माइनस कितना दिया है, पहला वाला दो, तो हो जाएगा दो एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस है तो प्लस, ये कितना दिया है, तो ये वाला दिया है आपका माइनस सेवन, तो यहाँ पे लिखिएगा माइनस सेवन एक्स, ठीक है, माइनस प्लस एक जगह पास में नहीं रहता इसीलिए ब्रैकेट कर देते हैं। फिर यहाँ पे क्या दिया है, माइनस अल्फा बीटा गामा कितना दिया है, तो माइनस में क्या दिया है, चौदह दिया है, ठीक है। अब ये एक्स का पावर तीन टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस सेवन एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस फोर्टीन, आपका बन गया त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो यही आपको दिया हुआ था, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, देखिए ये वाला आपका वैल्यू दिया हुआ है कितना, दो, ये वाला कितना दिया हुआ है, माइनस सेवन, ये वाला वैल्यू कितना दिया हुआ, माइनस फोर्टीन। तो इसके जगह पर डायरेक्ट ये भरो, इसके जगह पर डायरेक्ट सेवन माइनस सेवन भरो, इसके जगह पर डायरेक्ट दो भरो, आपका हो गया आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में, देखिए ये एग्जाम में देता है लेकिन आपके प्रश्नावली में नहीं दिया है, ये ऑप्शनल में दिया है, और ऑप्शनल में नीचे ही लिखा रहता है कि यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, यानी इस प्रश्नावली से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी पूछ देता है, इसलिए ये आप हमको, आपको ये बता दिए कि किस टाइप का ये फॉर्मूला होता है और कैसे बनता है, ठीक है। तो बिना देर किए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब यहाँ ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी बहुत ही आसान है, ठीक है, बस समझने के ऊपर है। अगर आप आसानी वे में समझेंगे, आसान तरीके से समझेंगे, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन को देख के डर पहले ही लगेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ देखिए, यहाँ आपका लिखा है 3x², ठीक है, यहाँ x का पावर, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखने के बाद डायरेक्ट पता क्या चल रहा है, यहाँ माइनस है, ये देखने के बाद ये पता चल रहा है कि ये त्रिघात बहुपद है, यानी इसमें x का मान कितना आएगा, 3 आएगा, 3 ठो आएगा, x का मान यहाँ 3 ठो आएगा। बताया था कि अगर 3 ठो x का मान, पावर जितना रहता है उतना ही x का मान होता है, ठीक है। तो एक ही जैसा नाम आने से बेहतर है अलग अलग नाम रख दे, अल्फा बीटा और गामा रख दे। यहाँ पे बोल रहा है कि इफ द जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल ये वाला आर इन द, मतलब कि x का पावर 3 - 3x² प्लस एक्स और प्लस में 1, इसका ये जो भी बहुपद पॉलीनोमियल दिया है इसका क्या दे दिया है, शून्यक दे दिया है, इस बहुपद का शून्यक, एक गो शून्यक दिया है, a माइनस बी, एगो ए और एगो ए प्लस बी, त्रिघात बहुपद, इसीलिए 3 ठो शून्यक है, ये भी x का मान, ये भी x का मान, ये भी x का मान। अगर शौक से कहना चाहे तो अल्फा बीटा और गामा भी इसको कह सकते हैं, x ना कह करके, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर बार x का मान नंबर में ही आए, ठीक है। तो अगर ये दिया है तो a और b का ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। हम एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का योग, अल्फा बीटा और गामा का योग होता है माइनस बी बाई ए। अगर इसका प्रोडक्ट कर दें तो 3 गो है तो तीनों का प्रोडक्ट करेंगे, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये होता है सी बाई ए। एक और फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है डी बाई ए। देखिए ए सब में है, बी सी डी लगातार है, माइनस में होता है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला से हम लोग देखिए, हम लोग को क्या निकालना है, ए और बी का मान निकालना है, ठीक है। तो हम ये दो फॉर्मूला यूज करके बना सकते हैं, ठीक है, देखिए कैसे। चलिए पहला फॉर्मूला यूज कीजिए, पहला फॉर्मूला हम लोग देखें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर लिखा है माइनस बी बाई ए। बताइए इस समीकरण में बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू हो जाएगा माइनस है तो माइनस, बी बराबर माइनस 3 है तो यहाँ माइनस 3 भर दीजिए। ए कुछ नहीं है, 1 है, कुछ नहीं है साइड में, तो 1 का लिखिएगा छोड़िए। यहाँ देखिए अल्फा कितना दिया है, तो अल्फा ए माइनस बी प्लस बीटा कितना दिया है, तो ए दिया है, और गामा कितना दिया है, तो गामा दिया है ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस में 3, प्लस लिखते नहीं है, ठीक है। ये देखिए तो ए माइनस बी प्लस ए, और फिर प्लस में ए प्लस बी, अलग अलग कर दीजिए। यहाँ पे देखिए तो ए गो बी प्लस और माइनस में ख़त्म हो जाएगा, 1, 2, 3 यहाँ पे हो जाएगा 1, 2 यानी कि 1a, 2a और ये तीनों मिला के जोड़ेंगे तो 3 गोए है, अब बराबर में 3, ये 3 एकम 3 हो जाएगा, a बराबर कितना आया, 1 आया, हमको a का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब फॉर्मूला ये यूज करेंगे अगर हम, तो फिर इतना को गुणा करना पड़ेगा, हम ये वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये लंबा है, फिर a और b इसको गुणा कीजिए, फिर इसको गुणा कीजिए, लंबा जाए, कोशिश कीजिए इससे भी बन जाएगा, कोशिश कीजिए कि ये वाला शॉर्ट है, तो ये वाला बना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। डी कितना है, तो डी 1 है तो 1, लेकिन माइनस यहाँ कुछ फॉर्मूला में ए कितना दिया है, तो ए यहाँ पे कुछ नहीं है, पहला वाला ये होता है, छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए अल्फा, अल्फा कितना दिया है, अल्फा दिया है ए माइनस बी इंटू, यहाँ इंटू छिपा है, बीटा कितना दिया है ए, और गामा कितना दिया है, तो हो जाएगा ए प्लस बी, सबको गुणा कीजिए अब, ठीक है, सबको गुणा कीजिए तो आपको पता चलेगा, ए में ए से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ए में अब क्या करेंगे बी से, तो हो जाएगा ए बी, दोनों को हमने गुणा कर दिया, और यहाँ बचा ए प्लस बी, इससे इसमें गुणा किए हैं, अब इसको दोनों को गुणा कीजिए, तो ए में ए से तो ए का पावर हो जाएगा 3, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा ए में बी से, तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस में ए स्क्वायर बी, गुणा नहीं होता है तो पास में, देखिए ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या होता है, जैसे इसके बाहर ये है चाहे इसके बाहर ये है, इससे दोनों में गुणा, मतलब पहले ए में दोनों से गुणा, फिर ए बी में दोनों से गुणा, ऐसे ही रूल होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ गुणा कीजिए आप, ए बी में ए से गुणा, तो ए में ए से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी हो जाएगा, इसमें गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर बराबर में माइनस 1, ये दोनों एक जैसा है, और एक मिनट यहाँ पे आपका हो जाएगा ए प्लस में हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया यहाँ पे ए का पावर 3, और ये ए में ए से तो ए स्क्वायर बी, यहाँ माइनस हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है, इससे ये दोनों का हो जाएगा खत्म हो जाएगा। जब इससे दोनों खत्म हो गए तो हमारे पास बचा a का पावर 3 माइनस ए बी स्क्वायर बराबर में माइनस 1। a बराबर कितना दिया है, 1 दिया है, ले जाके भर दीजिए समीकरण, इसको 1 मान लीजिए और लिखिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, कॉमन लेने से बेहतर है रख के हटा दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 1 का पावर 3 माइनस ए कितना दिया है, 1 दिया है, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर माइनस में 1। ये 1 का पावर 1 के हो जाएगा माइनस में, गुणा कीजिएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 आपका, ठीक है, यहाँ हो जाएगा। अब बताइए कि ये नंबर को नंबर के पास भेजिए, प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, इधर बी स्क्वायर बचेगा, इधर माइनस वन बचेगा, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। अब बताइए ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, अंडर रूट 2। लेकिन देखिए जब जरूरत पड़े तो प्लस और माइनस में जाता है, तो बी बराबर हो जाएगा एक बार प्लस में 2 एक बार माइनस में 2, ठीक है, या फिर ऐसे ही लिख दीजिएगा। तो बताइए ए का भी मान निकल गया, ए का मान आपका 1 और बी का मान कितना हो गया, प्लस माइनस यहाँ पे 2, या ऐसे भी हो सकता है। तो इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट, तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। देखिए भारी नहीं है, लंबा है, यानी थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में बनाना है, लेकिन ये एक एक पॉइंट समझिएगा तो ये भारी नहीं है। और भारी लगेगा आपको तो फिर बताइए आप आसान क्या सीखना चाहेंगे, आसानी से किसी चीज़ को हासिल नहीं किया जाता है, जिस काम में रिस्क होता है आगे वही काम बहुत दिन तक चलता है और आपके लाइफ के साथ फिक्स होता है, ठीक है, ये दिमाग में आप रखिएगा। तो हम लोग बिना देर किए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये भी देखिए कैसे इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। आपको बताया था कि किसी भी बहुपद का पावर यानी पॉलीनोमियल का पावर 4 ठो दिया था, उसमें 2 ठो दे दे रहा है, पूछ रहा है कि 2 ठो और निकालिए, तो इसी के बारे में हम लोगों को जानना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ 2 जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल x का पावर 4, x का पावर 4 यानी इसका x का मान यानी कि बताइए शून्य कितना होगा, 4 ठो शून्य निकलेगा। x का पावर 4 6, x का पावर 3 26, x स्क्वायर प्लस 138 x माइनस 35 r 2 प्लस माइनस रूट अंडर 3 फाइंड अदर जीरोज, यानी कि कह रहा है कि यहाँ पे अगर किसी भी पॉलीनोमियल यानी किसी भी बहुपद का यहाँ पे शून्यक 2 ठो दे दिया है। अब यहाँ पे आप सोचिएगा 2 ठो कहाँ दिया, ये 2 ठो है ना, 2 एक बार प्लस लीजिएगा, 2 प्लस रूट 3 एक बार 2 माइनस रूट 3, 2 ठो दे दिया है और 2 ठो पूछा है, शून्यक 2 ठो दिया है, कौन कौन शून्यक दिया है, शून्यक आपको दिया है एक बार 2 प्लस में रूट 3 प्लस माइनस एक के साथ है, और एक बार शून्यक दिया है 2 माइनस में। शून्य को हम लोग क्या कहते हैं, x बोलते हैं, बराबर में हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, शून्य को हम लोग क्या बोलते हैं, x, ये हो जाएगा रूट 3, ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, x माइनस 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये बराबर में 0 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे माइनस ही होगा रूट 3 0। अब थोड़ा सा इसको देखिए, तो अभी बताए थे शून्यक 2 ठो है, और उस शून्यक से ही एगो इक्वेशन कैसे बनेगा, थोड़ा सा माइनस से ही गुणा कीजिए, माइनस प्लस माइनस में 2 और ये माइनस प्लस माइनस में रूट 3 बराबर में 0 हुआ, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस रूट 3 बराबर 0। आप ये दोनों क्या है, शून्यक है, आपको बताया थे किसी भी चीज़ का शून्यक ऐसे ही निकल रहा था, ठीक है, तो क्या करें, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, लेकिन अगर बराबर नहीं करेंगे तो वो साथ में ऐसे लिख सकते हैं ना, इनटू में, ये भी दोनों साथ में इनटू में लिखेंगे। देखिए कैसे, x माइनस 2 माइनस रूट 3 और यहाँ लिखिएगा x माइनस 2 प्लस रूट 3 बराबर 0, ये किसी फॉर्मूला पे सेट है। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, लेकिन अंतर क्या है, एक जगह माइनस है और एक जगह प्लस है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको माने हम लोग ए, इसको बी, ये भी तब ए और बी हो जाएगा सेम है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब कि इसका स्क्वायर आ माइनस में रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू में हो जाएगा 0। इसको तोड़िए, ए माइनस बी के द होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, अगर आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो भी तोड़िएगा तो इतना ही आएगा, माइनस है तो माइनस, स्क्वायर से रूट का हो जाएगा खत्म हो जाएगा 3 बचेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 2 दूना ये हो जाएगा 4x,
और माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस में 4x, 4 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 1। देखिए यहाँ एक समीकरण हमको मिल गया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1 मिल गया है। ये हम थोड़ा सा इधर ला दें क्योंकि ये बहुपद में दिखेगा, बहुपद क्या होता है, लाइन से सजा होना चाहिए। अब इसमें हम लोग भाग देंगे, इससे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर मिलेगा उस आंसर को हम लोग तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद क्या मिलेगा, दो ठो और x का मान मिलेगा। डिवाइड किससे करना है तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे डिवाइड किससे करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 में डिवाइड करना है आपका क्वेश्चन, x का पावर 4 माइनस 6, x का पावर 3 माइनस 26 एक्स स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा 138 एक्स माइनस 35। डिवाइड कीजिए, कितना बार टेबल पढ़िएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिएगा दोनों में, तो हो जाएगा एक्स का पावर 4 हो जाएगा, यहाँ सब में गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 4, माइनस में हो जाएगा 4 एक्स का पावर 3, और ये हो जाएगा माइनस नहीं प्लस में एक्स स्क्वायर। सिंबल बदलिए इसका, ये तो कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस में 2x का पावर 3, और 26 और ये कितना हो जाएगा 27 एक्स स्क्वायर, बाकी सब आप उतार दीजिए, माइनस में यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब हमको कितना लाना है, तो लाना है 2x का पावर 3 लाना है, तो बताइए यहाँ पे किस किस चीज़ की जरूरत है, एक तो हमको चाहिए 2 क्योंकि 2 नहीं है, माइनस चाहिए यहाँ पे, दो ठो एक्स है यहाँ पे 3 को है, एक का कमी है लिख दीजिए, माइनस 2x का पावर 3 और माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 4 दूना कितना होता है 8x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 एकम 2x प्लस में नहीं माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, इसको सॉल्व कीजिए हो जाएगा ये प्लस, और ये हो जाएगा माइनस आपका, ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा आपका, ठीक है। अब बताइए 27 और 8 कितना होता है, तो 27 और 8 35 होता है, 35 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद से ये दोनों जोड़ोगे तो हो जाएगा माइनस में नहीं प्लस में 140, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 35, कितना से गुणा कीजिएगा 35 आ जाए, तो 35 से गुणा कीजिए, वो भी माइनस 35 से, ठीक है, तो माइनस 35 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस 35 एक्स स्क्वायर, अब 35 चौका होता है 140, माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ एक्स है ना, एक्स है 140 एक्स, 35 में 1 से तो 35 से कम 35 लेकिन माइनस में हो जाएगा, देखिए ये पूरा का पूरा कट गया, ठीक है, ये हो गया कट गया, आ गया इसका 0, हमको क्या मिला, हमको मिला यहाँ पर ये मेन चीज़ एक्स स्क्वायर मिला, 2x मिला, माइनस में 35 मिला। अब देखिए इसमें निकालना क्या था, दो ठो जीरो यानी शून्य दे दिया था, अदर दो गो और ही शून्य निकालना है, टोटल 4 शून्य निकालना है, क्यों, क्योंकि x का पावर कितना है 4 है, तो दो ठो तो पहले से यहाँ दिया, एक प्लस में एक माइनस में, अब यहाँ से दो ठो निकल जाएगा, देखिए कैसे तोड़िए इसको, बीच वाले को तोड़ते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 7x प्लस में 5x, 7 पाँच 35 होता है, 7 में से 5 जाएगा 2 और ये हो जाएगा 35, एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन लीजिएगा दोनों में से तो हो जाएगा एक्स माइनस 7, यहाँ से 5 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा एक्स माइनस 7, एक बार 0 लिख दीजिए, बराबर में 0 रहता है, ठीक है, एक बाहर वाला होता है एक्स प्लस 5, और एक दोनों में से अंदर वाला लीजिए एक्स माइनस 7 बराबर 0, कैसे निकलेगा, एक बार इसको 0 के बराबर, एक्स प्लस 5 बराबर 0 तो एक्स बराबर माइनस 5, और दूसरा बनाइएगा एक्स माइनस 7 बराबर 0 तो एक्स बराबर 7, एक वैल्यू आया माइनस 5, एक आया 7, और दो ठो यहाँ पे, तो ये चारों का चारों एक्स का वैल्यू आपका निकल गया, यानी कि जो भी शून्य का निकलना था वो क्या हो गया, निकल गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर इसका 5 है वो थोड़ा सा देखिए टफ नहीं है लेकिन बड़ा है, और बड़ा के साथ साथ उसमें एक और प्रॉब्लम क्या है कि वो लंबा मतलब लॉन्ग मैथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि एक एक उसका छोटा छोटा पॉइंट, हम लोग तो डिवाइड बहुत नॉर्मली दे दे रहे हैं, लेकिन उस वाले क्वेश्चन में अगर आप डिवाइड देंगे तो यहाँ पे माइनस वो नहीं हो पाएगा, उसको अलग से माइनस करके ला के रखना पड़ेगा, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाया जाएगा, ताकि एक ही वीडियो में आपको वही सिर्फ क्वेश्चन रहेगा, ताकि उस पर आप फोकस करेंगे और बढ़िया से समझ में डीपली आएगा, आपके एग्जाम में उस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो मिलेंगे हम लोग, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे या फिर इसका अगला जो लेसन है 3, बहुत ही आसान है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।